वो सच ही कहते हैं। जी हाँ, वो सच ही कहते हैं। यूं ही नहीं फहराता हमारा तिरंगा हवाओं में, वो तो फहराता है उन जवानों की उस आखिरी सांस से, जो न्योछावर कर दिए तिरंगे की शान में, जो न्योछावर कर दिए तिरंगे की शान में। हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि वो जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। गर्मी सर्दी घर परिवार की चिंता किए बगैर दिन रात इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे जवान देशभक्ति की सच्ची मिसाल है। ऐसे जवानों को हम कितने ही रत्नों पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित कर दें, वह भी कम है। प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं बहादुर योद्धाओं और जवानों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड्स। वीरता पुरस्कार भारत के शूर वीरों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए दिए जाते हैं। प्रथम तीन वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। यह साल में दो बार घोषित किए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गैलेंट्री अवार्ड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ शूर वीरों से जिन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। वंदे मातरम, जय हिंद।